दिस इज फॉर यू. शाम को डैडी घर ले जाने आएंगे. ओके बाय बेबी. बाय. यस यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. सबको आना ही है. वन सेकंड. ओके ओके नो प्रॉब्लम. हेलो. या आई जस्ट केम बैक होम. आई विल जस्ट लुक इनटू इट एंड कॉल यू बैक. ओके बाय. ठीक है. ओके. नहीं नहीं ऐसा नहीं. बड़े पापा हैं क्या? हाँ वही है. बड़े पापा मतलब बिग फादर है क्या? ए, नहीं लेकिन नहीं. उनकी हाइट आपसे कम है तो भी वो बड़े पापा कैसे हुए? बड़े पापा मतलब एल्डर ब्रदर. तो पे ये दीक्षा है ना वो बड़े पापा को मामा कह के क्यों बुलाती है? I will explain you later, okay? हाँ सर. Yeah, I got your mail. Mom, I need explanation right now. बेटा, let me finish watching the serial, okay? मम्मी और डैडी मुझसे प्यार ही नहीं करते. पल खुशी हर एक पल मजा क्या जहाँ हसारा बेचैनी और क्यूरियोसिटी ये वो दिन थे यारा क्या जवानी थी क्या सुरूर था ये जहाँ था प्यारा.
कॉलेज में कैंपस में लड़कियों की क्या कमी है, इनसे तो हाँ बचना ही पूरी तरह इम्पॉसिबल है। बात था बातें साफ थी, क्या वो दिन प्यारा, हर एक पल खुशी हर एक पल मजा, क्या चाहा था सारा, बेचैनी और क्यूरियोसिटी, ये वो दिन प्यारा, क्या जवानी थी क्या सुरूर था, ये जहां था प्यारा। Hi mom. Hi beta. Hi dad. Hi Sidhu. Where are you Sidhu? आपकी नजरों से दूर और नेचर के बहुत करीब। ये क्या जवाब है सिद्धू? और क्या मॉम? बचपन से मैं यही सवाल पूछते आ रहा हूँ। Where are you mom? Where are you dad? और आप लोग भी तब से सिर्फ I am busy यही बोलते आ रहे हो। और उसी को मैंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल दिया। सिद्धू, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। ओके ओके, लव यू डैड, लव यू मॉम, लव यू टू सिद्धू। तो इस वीकेंड पर हम मिल रहे हैं ना? श्योर श्योर। ऑलराइट बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज की मीटिंग का रीजन यही है कि मेरा बेटा सिद्धार्थ अभी अभी पढ़ाई पूरी करके आया है और वो सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शंस का एमडी बनेगा। एंड आई वांट यू पीपल टू एक्सटेंड द सेम कोऑपरेशन टू माय सन। ओके? एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन। ओह, इट्स माय सन। डैड, प्लीज कम ऑन द वीडियो कॉल। Hi Dad. Hi Sidhu. Hi friends. Good morning. आप सब लोग मेरा ही वेट कर रहे हैं और ये बात मुझे अच्छे से पता है। But Dad, मैं इस कंपनी का MD बनूं ये देखने के लिए आपको एक साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और वो इसलिए कि नर्सरी से लेकर MBA खत्म करने तक मुझे हमेशा आपने कंपटीशन के मोड में ही रखा है। ये वाला कंपटीशन, वो वाला कंपटीशन। ओह, मैं बहुत थक गया हूँ डैड, लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाया मैं। But Sidhu, I want you to be the youngest entrepreneur and Dad, please. ये business की बातें बहुत हो गईं। ये first आना, best होना, ये सब छोड़कर खुश रहना ही जीवन है, मैं ये मानता हूँ। Be practical, Sidhu. Dad, पैसा कमाना आपकी नजर में practical हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में वो सिर्फ business है। There is no life in it, Dad. Be happy, keep others happy. That is the most important business in your life. So what next? जिस दिन मैं अपने बिजनेस गोल्स अचीव कर लूंगा
उस दिन मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। तब तक डैड प्लीज लेट मी वर्क ऑन माई ड्रीम्स एंड माई लाइफ। आई एम रियली सॉरी। टेक केयर डैड, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। कैसे ठुक गई? ड्राइव किसने की होगी? मतलब चाबी गाड़ी में ही भूल गया था। सकता है। मैंने तुम लोगों को वन में भेजने का प्रण लिया है। हाय, गुरुकुल का चक्रेश्वर, अंधे का बेटा अंधा कहकर मेरे ऊपर हंसी थी ना वो। पांडवों की पत्नी पांचाली, उसी दिन मैंने ये प्रण लिया था। जो भूत प्रेतों का अधिपति है भूतनाथेश्वर, अगर वो भी मुझसे युद्ध करने आए तो कोई बात नहीं। कली वंश से निर्मित हुआ ये पूरा कुरु साम्राज्य खून की नदी में बह जाए तो भी कम नहीं। हस्तिनापति के खून के सिंहासन का अधिपति हूँ मैं। शमशान की मिट्टी में मिट्टी बन जाऊंगा तो भी कम नहीं। ऐशु को नहीं छोड़ूंगा, ऐशु को नहीं दूंगा। अरे दादा, ऐशु को नहीं छोड़ूंगा, ऐशु को नहीं दूंगा नहीं, जिद नहीं छोड़ूंगा, भूमि नहीं दूंगा। ऐशु को नहीं छोड़ूंगा, ऐशु को नहीं दूंगा, जिद नहीं छोड़ूंगा, भूमि नहीं दूंगा। ऐशु को नहीं छोड़ूंगा, ऐशु को नहीं दूंगा, जिद नहीं छोड़ूंगा, भूमि नहीं दूंगा। चलो चलो, सब लोग लाइन में आ जाओ, लाइन में आओ। क्या ऐश कर, हाँ ये लो, आज कुछ नहीं, कल दिया था ना। चलो ये चल, क्या कान से खून आया? अच्छा हुआ कहीं और से नहीं आया, बच गए तुम पैसे, 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया है। अब फिर से कब रहेगा? इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, अभी अभी ड्रामा खत्म हुआ है, शायद शाम को फिर से कर लें। मैं बता दूंगा, जा एडवांस में बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बता दूंगा, चलता हूँ। जा, 1 2 3 4 रोज ऐसी कमाई हो तो मजा आ जाए।
आइए। ये बताओ तुम क्यों चिल्लाए? जैसे आप डर लगने पर जोर से चिल्लाई वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ इसलिए चिल्लाया। तुम अचानक सामने आए इसलिए चिल्लाई? ऐसी बात है, जरा फिर से चिल्लाइए तो। हाँ? मैं अजनबियों की बात नहीं मानती। ठीक है मत मानिए, मुझे क्या। ये क्या? पैसे। वो किस लिए? वो कल आपकी कार को जिसने पेड़ से ठोका वो मैं हूँ। ओह तो वो आप थी। आई सी, एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड। कल आपने कार को ठोका था लेकिन दर्द मुझे यहाँ हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कि आपकी बस कार ही खराब हुई है। लेकिन कार ही नहीं, आपका तो दिमाग भी खराब है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं आप। मैं जा रही हूँ। अरे कार रिपेयरिंग के लिए इतने पैसे काफी नहीं होंगे। परेशान मत हो, मैं और दे दूंगी। मैडम पैसा नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन दिल में बसने वापस आ जाना। मेरा दिमाग खराब नहीं है। हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम, प्लीज वेट। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा सांप को गले में लटका कर घूम रहा हूँ। क्या करूँ, पेट की मजबूरी है। ये तो वही हुआ कि मंदिर बनाने गए और घंटी को गले में लटका लिया। माँ बाप ने हजार बार बोला, सुन रिश्ते लगाने का काम मत कर बेटा, चार घर में पंडित बनकर जाएगा तो पेट का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं सुनी। उसी वजह से ऐसी हालत हो गई मेरी। वो बनकर यही कहा ना, चुप रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो देख लेना आप। ठीक है बेटा, हमारी रानी कहाँ है? आहा, रानी चाहिए आपको? छोड़ो, टाइम टाइम पर उसको क्या चाहिए आपको नहीं पता है क्या? पता है ना बेटा, रोज उसको बकेट में भर भर के पानी डाल के निकालता हूँ, शैम्पू डाल के आगे पीछे मालिश करता हूँ, आधा लीटर पेट्रोल डालता हूँ। आधा लीटर पेट्रोल डालते हैं आप, इसीलिए वो जहाँ खड़ी है वहीं छोड़ कर आई हूँ, ले लीजिए उसे। मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे क्यों डराती हो बेटा? ओके ओके मेरी रानी को कुछ नहीं हुआ है ना? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, पर अगर आप ऐसे ही बार बार आके शादी के लिए अलग अलग लड़कों की फोटो दिखाते रहेंगे तो आपकी रानी का वो हाल करूंगी कि बोरी में लेके जाना पड़ेगा। तेरा तो काम ही है ना लड़के लड़की को मिला के शादी करवाना। हाँ पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी शादी एक साल बाद होनी चाहिए। हाय रे हाय मेरी फूटी किस्मत, इतनी जल्दी शादी करने के लिए ये ऐशु तैयार नहीं है। मुझे तो अभी ड्राइविंग सीखनी है, एक्सीडेंट करके दो चार लड़कों की हड्डियाँ तोड़नी है, बहुत सारी गाड़ियों को खराब करना है। और देखो बेटा, तुम्हें किसी को कुछ करना है कर लो, पर मुझे जाने दो, मेरी जिंदगी बच दो। फिर से अगर आप किसी लड़के की फोटो लेकर मेरे घर आए ना तो आपकी गाड़ी के दो व्हील और आपकी टांगे दोनों तोड़ दूंगी। फोटो जल्दी आ गए बड़े फोटो दिखाने। मैंने अपनी आँखों से देखा, अपने कानों से सुना, बेचारे उस गरीब को तुमने कितना तड़पाया। तुम नहीं बचोगी, बिल्कुल नहीं बचोगी। ये सब आप पापा को बता के मुझे डांट पड़वाएंगे। इतनी जल्दी मोती टपकने लगे मेरी गुड़िया की आँखों से? जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे घर में तुम्हारी शादी करवा के हम सब आराम से रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तुम जब चाहो तब शादी कर सकती हो। आप कितने अच्छे हैं दादा, थैंक यू। अरे बेटी, सुबह से तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, जरा पूछो तो बात क्या है। मेरी मम्मी मुझे कभी अपनी बेटी समझती नहीं है, वो तो मुझे दोस्त की तरह समझती है। बेटी जब जवान हो जाती है तो उसकी सहेली ही बनना पड़ता है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन मेरे चाचा और चाची के लिए मैं अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ। सही है, तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ हमारे लिए छोटी ही रहोगी। सही कहा आपने। और ये है मेरी मामी, मुझे एक गुड़िया समझ के हर रोज बस सजाती रहती है। मेरी प्यारी भांजी को सजने धजने के अलावा और कौन सा बड़ा काम है बताओ। और मेरे मामा तो ये लो बेटा, आओ बेटा, बैठो बेटा, ये बोलकर एक लड़के की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे पापा के लिए तुम बेटी हो मगर हमारे लिए तो बेटे जैसी ही हो। ठीक है ठीक है, और पापा तो सबके लिए एक पहेली है, ना तो किसी को आसानी से अपने पास आने देते हैं और ना दूर जाने देते हैं। आओ या, देखो तुम सिर्फ
इस घर की रौनक नहीं हो। कल को जिस घर में जाओगी वहां पर भी इसी तरह रौनक लाओगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, समझा करो बेटा। ऐश्वर्या नाम आपने क्यों रखा मेरा? सब लोगों ने संभालने के चक्कर में मुझे अपने प्यार में बांध रखा है। मुझे आजादी चाहिए, प्लीज मुझे आजाद रहने दो ना। जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें बेटी होगी, और जब उसकी शादी होगी तब समझ आएगा कि तुम्हारे पापा ऐसी बातें क्यों करते थे। आप तो रहने ही दीजिए चालाक दादी, आप हमेशा अपने बेटे की तरफदारी करती हैं, मुझे नहीं चल जा पागल लड़की कहीं की। आप जानते हैं ना रात के 12 बजने अभी तक नहीं सोए आप? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी अब तक। डैड मॉम, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं जो ढूंढने निकला था वो मुझे मिल चुका है शायद। अच्छा, क्या है वो? वही जो इतने दिनों से मैं मिस कर रहा था। बैंगलोर में मुझे जो नहीं मिला वो मुझे यहाँ मिला है, यहाँ तीर्थली में। You mean fresh air? No. उससे भी ज्यादा प्यार। पहले आप बुझाते रहोगे या फिर बताओगे कि किस चीज की बात कर रहे हो? जरूर बताऊंगा। मेरे ख्वाब में एक ख्वाब है और उस ख्वाब को पूरा करना मेरा असली ख्वाब है। ओके, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, टेक केयर। आई एम इन लव। करूं मैं ये जग को सलाम,
करूं इस पल को सलाम, ख्वाब है एक ख्वाब है, ख्वाब में एक ख्वाब है। दादा अरे बैठो बैठो मत रो, देखो सुनो, सर्दी में ठंडी नहीं लग सकती, बारिशों में पानी नहीं आ सकता, इतना ही नहीं मेदू वड़ा बिना छेद के भी बन सकता है, पर जब मुश्किलें आती हैं तब कपूर का आना मिस नहीं होता। क्या नाम है तेरा? मेरा दानप्पा नाम है दादा। अरे नाम दानप्पा और यहाँ भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुझे? फिर भी ठीक है, ये लो 100 रुपए। भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुबेर है भाई। वाह, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा नाम कुबेर होगा। खैर फिर भी ये लो, ये रखो भाई। तुम्हारा नाम क्या? सुंदर है। पहले जाके सुंदरी सोप से नहाओ, तुम जैसे लोग मंदिर की एंट्रेंस में जमा हो जाते हैं, इसलिए मंदिर का रेवेन्यू इतना खराब हो गया है। कल जब मैं आऊंगा तो तुमसे अच्छी सुगंध आनी चाहिए, समझे? हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। ये लो सब बांट लो। प्रसाद इतना कम क्यों दे रहे हो? ये प्रसाद है, मुझे भी पता है, भर के दो ना। तुम लोगों की वजह से ही बोलते हैं, भगवान दे तब भी पुजारी नहीं देता। इसमें भी डालो। अरे मेरे भाई अब दोपहर में आओ। दोपहर में बहुत बिजी हूँ, नहीं आ सकता इसलिए। अरे यहाँ दे, ये तो लूट रहा है भाई। प्रसाद के साथ साथ प्रमिला भी मिल जाएगी ऐसा सोचा नहीं था। हाय हाय। सच बोलूं तो आप मुझसे टकराई तो ऐसा लगा जैसे बंजर जमीन में पानी का फवारा फूटा हो, इसलिए मैं पानी पानी हो गया। थैंक यू। आपका नाम? करीना। करीना? नहीं 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 नहीं, करीना। ओह करीना। और मेरा नाम है कपूर। हम दोनों मिल जाए तो करीना कपूर हो जाएगा। ब्यूटीफुल ना? आप बहुत प्यारी बातें करते हैं। थैंक्स। अभी उठो ना, चलो। आ गई कबाब में हड्डी। ये कौन है? कटरीना। अरे आपको कैसे पता चला? जब ये ऐसे बीच में घुस गए तभी समझ गया ये कबाब में हड्डी है। करीना ऐसा मत करो ना। मैंने क्या किया है? ऐसे किसी और का प्रसाद चोरी से लेना गलत है। ओहो सॉरी करीना, मैंने प्रसाद ऐसे वापस ले लिया, आपको कहीं बुरा तो? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जान दे सकता हूँ लेकिन प्रसाद नहीं छोड़ सकता, ठीक है? अरे चलो ना यहाँ से। नेक्स्ट टाइम मिल तुझसे टकराऊंगा। देख लूंगी तुम्हें। तेरी तो टाटा। चलो चलो चलो। अरे आयशु ड्राइविंग के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो, और कितने कार और बाइक्स के एक्सीडेंट करवाओगी? अरे पागल सुनो, लड़कों के पीछे बैठकर जाना अब ओल्ड फैशन हो गया है, अब हमारा टाइम आ गया है, अब लड़के पीछे बैठेंगे और हम गाड़ी चलाएंगे, यही आज का ट्रेंड है। अरे फिर से आ गया वो पागल, रोज रोज इस पागल से बचना एक टास्क हो गया है। देखो तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे इतने दीवाने तो होंगे ही, ऐसे लोगों के साथ फाइट करने से तो बेटर है कि उनको अपना बॉडीगार्ड बना लो, इसी में तो टैलेंट है। ए टैलेंटेड गर्ल, तू मेरी मदद कर रही है या मुसीबत खड़ी कर रही है? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तू इस तरफ जा मैं उस तरफ जाती हूँ। हाँ। गायब हो जाते हैं।
फंस गई अब तो क्या होगा? वो भी है साथ में। जहाँ जहाँ जाओगी तुम पीछे पीछे तेरे चला आऊंगा, आँखों से तेरी सूरत दिल में अपने बसाऊंगा। तुम कितना भी अच्छा गा लो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। मुझे ऐसे डरपोक पसंद नहीं है। अरे इनसे बड़ा बलवान तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे इनके सामने तो सुमो रेसलर भी फेल है, आजमा कर तो देख लो। सही बोला भालू तूने। बोलो आयशु, आज तेरा भरत अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। बोल उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मिला एक जबरदस्त आइडिया। मुझे ना शहद खाना बहुत पसंद है। वहाँ देखिए शहद का छत्ता, वहाँ से मेरे लिए थोड़ा शहद लाइए ना। वहाँ से ना, तुम्हारे सुंदर चेहरे से ये हंसी कम होने से पहले तेरा भरत वहाँ जाके तेरे लिए शहद लेके आएगा। ओके ना? आई लव यू आयशु, आई लव यू आयशु। चल तो ही पकड़। ओके। अब आएगा असली मजा। अरे ये क्या कर दिया? ये तो वही लड़की जिसने मेरी कार को ठोका था। तीर्थली के लोग बहुत ईमानदार होते हैं ये तो सुना था, लेकिन पैसा देने के लिए ऐसे भाग भाग कर आते हैं। अब तो ये प्रूफ हो गया। जी वो क्या हुआ कि मत बताओ क्या हुआ, मतलब भी मत बताओ। बिना मतलब की बातें भी होनी चाहिए, ऐसे शांत रहना ही अच्छा लग रहा है। सब कुछ भूल कर कुछ देर के लिए ऐसे ही रहते ना प्लीज। अरे उठने तो दो पहले। सच में आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों भाग के आ रही हूँ और आप क्या बोले जा रहे हैं? हा? आप सही कह रही हैं। मुझे तीर्थली में आके कुछ ना कुछ तो जरूर हो गया है। ए, सुनिए ना, मेरी एक ख्वाहिश है। हम ऐसे ही रोज रोज अगर पास आते रहे तो। किस दुनिया में हो आप? प्यार की दुनिया में। अब आप कंफर्म पागल हो गए। मैं भी वही कह रहा हूँ। डाउट ही नहीं है। सही कह रही हैं। आपको जब से मैंने देखा है आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है। अब आप मुझे पागल समझ लो या फिर प्रेमी समझ लो, अरे दोनों तो एक ही होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगी ना तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। एक मिनट सुनिए ना प्लीज। मुझे सोते जागते दिन रात बस आप ही दिखाई दे रही हैं। मेरा दिल एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनेंगी? आई मीन लव विद यू। कल देखा, आज आपने बात की, इतनी जल्दी प्यार में हो गया? नो वे। आपकी ना सुनने के लिए दिल भी बोलता है नो वे। अरे जा जा। प्लीज सुनिए, सुनिए तो। वगैरह कुछ नहीं। एक बार बात तो कर लीजिए। घर जाना है। अरे सुनिए तो। पीछे मत आओ। ए। जाने दो मुझे। ओह माय गॉड। प्यार में कितना मजा है भाई। ए, इधर आ। मुझे बुलाया बॉस? मिल गया या क्या? नहीं तो मैं तो बस स्टाइल मार रहा था। स्टाइल तो? ए बता। अरे मूछें कैसी? मूछें जले हुए डोसे की तरह है, बहुत अच्छी काली। मेरी मूछें कैसी? अभी क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, क्या करूं, यही सोच सोच के यहाँ वहाँ घूम रहा था। मैं जो बोलूंगा करेगा? हाँ, क्यों नहीं करूंगा, वैसे तो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ।
अभी मेरा मामा आएगा, उसे इंप्रेस करने के लिए मेरी मदद करेगा? हाँ, जरूर करूंगा। साहब लगता है भरत आपका ही वेट कर रहा है। राम राम मामा। क्या बात है भरत, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मामा, और आप? मुझे क्या होने वाला है? और आयशु? वो कॉलेज गई है, पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, सब ठीक है, चलता हूँ। मामा, जब पापा जिंदा थे तो हमेशा कहते थे आयशु घर की बहू बनेगी, आयशु घर की बहू बनेगी, इसीलिए। अच्छा, देखो अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, देखते हैं। अरे कोई बात नहीं मामा, बिल्कुल अर्जेंट नहीं है, वो पढ़ेगी तो समझदार बनेगी, फिर जो हमारे बच्चे होंगे ना वो भी समझदार बनेंगे। मगर हाँ, सही कह रहे हैं, वैसे ये तो पूरे अंगूठा छाप है। भरत, आयशु अभी जवान लड़की है, बहुत सारे लुच्चे लफंगे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? बिल्कुल भी चिंता मत करो मामा, आयशु के आस पास एक छोटा सा मच्छर भी फटकने नहीं दूंगा। ये ना सही कह रहा है, हमारी आयशु के लिए तो ये मच्छरदानी है। ठीक है, चलो मैं। एक बात बताइए साहब, सोने जैसी अपनी आयशु की हिफाजत क्या इस तरह का आदमी करेगा? कभी कभी महल के देखभाल की जिम्मेदारी चोर को देना सही रहता है, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं तो नहीं समझा। छोड़ो, तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। जी साहब जी। क्या आदमी है ये, इसे घूर घूर के देख रहा है। आयशु बेटा कैसी हो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अच्छे हैं। और घर में बाकी सब कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं। आज किसके नाम से पूजा कराने आई हो बेटी? तमन्ना गौड़ा। तमन्ना गौड़ा नाम देस्या। शारदा। शारदा नाम देस्या। राजीव। राजीव नाम देस्या। अनसुया। अनसुया नाम देस्या। जानवी लोहिता बिंदु। तमन्ना गौड़ा सह कुटुंब सर्वार्थ सिद्धि रस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ऐश्वर्या आरती ले लो बेटी। शुभम। देखा तुमने उस लड़के को? सुनो बेटा, आरती ले लो। दीर्घायुष्मान भव। सुनिए ना आयशु, एक्सक्यूज मी, आपने इतने सारे लोगों के नाम से पूजा करवाई, क्या वो सब आपके गांव के लोग हैं? अरे बाबा नहीं नहीं, वो सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। ओह, फैमिली मेंबर्स? हाँ, दादा दादी मम्मी पापा मामा मामी चाचा चाची और उन सबके बच्चे। पता है मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। कैसे पता होगा? हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं और सब लोग हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बारे में सोचते रहते हैं, मेरी भलाई के लिए हर रोज प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, काश ये लड़के मुझे मिल जाए। और मेरी मामी तो वो मेरे लिए उपवास करती है। और मेरे चाचा, जब मैं बीमार हुई थी तो उन्होंने तो अपना पूरा सिर ही मुंडवा दिया था, पता है? आप बताएंगी तो पता चलेगा ना। अरे मजाक मत करो, उन्होंने मन्नत मांगी। सही बात है, कोई मजाक के लिए थोड़ी टकला हो जाता है। हाँ सही कहा, तो मैंने जरूर कई सारे पुण्य किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। इसीलिए तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे भी अपना फैमिली मेंबर बना सकती हैं? वो कैसे हो सकता है, इनकी बातों में तो कोई लॉजिक नहीं नजर आता। लॉजिक? हे रुकिए ना जरा, भगवान मेरे साथ रहना। एक्चुअली उसमें लॉजिक तो नहीं है, लेकिन मैजिक जरूर है। आयशु मेरा दिल क्या कह रहा है पता है? भगवान कसम नहीं पता, चले जाइए यहाँ से, मेरा पीछा मत कीजिए। आयशु रुकिए ना, आयशु एक मिनट सुनिए ना। आयशु मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं इतने प्यार से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और आप हैं कि पीटी उषा की तरह भागे जा रही हैं। अरे बाबा क्या है आपकी प्रॉब्लम? हाँ आयशु प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बहुत जल्दी प्रपोज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत जल्दी मान भी जाएं। टेक योर टाइम, मैं इंतजार करूंगा। इंतजार करेंगे? हाँ। कब तक करेंगे? आपका दिल पिघलने तक। तेरे दिल के पिघलने तक मैं रुकूंगा, राह तेरी आखिर तक देखूंगा, जब तलक तू ना बुलाए मैं रुकूंगा, प्यार तुझसे ओ मेरी जान करूंगा।
रुकूंगा 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 देखूंगा 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 पाके हंसी बातें चाल पाके नखरे तो है ही तुमने मेरी जान मेरी जान पीछा ऐसे ना छोड़ूंगा रूठो चाहे तुम जितना दिल में तुम्हारे तो मैं रहूंगा पहनाऊंगा बस तुम्हें ही हार हार तेरे दिल के पिघलने तक मैं रुकूंगा राह तेरी आखिर तक देखूंगा रुकूंगा देखूंगा को तू ले बसा मन भी ले बात मेरी बैठ जरा पास आके ये किताब मैं भी पढ़ लूं फिर कहीं मैं रुकूं फैसला जो भी हो तेरा मुझको है कबूल तेरे दिल के पिघलने तक मैं रुकूंगा राह तेरी आखिर तक देखूंगा अब तलक तू ना बुलाए मैं रुकूंगा प्यार तुझसे ओ मेरी जान करूंगा इंतजार इंतजार करूंगा मैं तेरा प्यारी प्यारी मेरी रानी मान भी लो तेरे दिल के पिघलने तक मैं रुकूंगा राह तेरी देखूंगा रुकूंगा रुकूंगा देखूंगा सुनो कपूर तुम किसी को भी ठीक से पानी नहीं देते हो तुम्हारे खिलाफ सारी औरतें इस पंचायत में ये शिकायत लेकर आई हैं इस बारे में तुम क्या कहोगे कौन सी ये औरतें ओ माधव मम्मा ऐसे मुंह बना के क्यों खड़ी हो परसों आधी रात को अर्जेंट है करके तुमने पानी भरने को बोला था वो भूल गई बताओ मुखिया को और तुम कमलम्मा काफी नहीं है बोल बोल के दो दो बार पानी भरवाते हो वो नहीं बोला मुखिया को तुमने इतना ही नहीं पटेल जी आपकी तीसरी बीवी पद्मावती जब जब पानी मांगती है उसे पानी देके हमारी मोटर खराब हो गई जब भी मांगो मिलेगा वो क्या किसी नदी का पानी है क्या वो पंप का पानी है उसका कोई लिमिट और टाइम नहीं होता बार बार छोड़ता रहूंगा तो मुझे मार पड़ेगी आपका क्या है कुछ भी बोलते रहते हो सुनो लफंगे अगर तुझे पानी छोड़ने में दिक्कत है ना तो बोल हम किसी और से करवा लेंगे क्या बोलते पटेल जी हां सही है अरे इस काम के लिए पैसे तुझे हम ही देते हैं हम पंचायत वाले हैं समझा लोफर ए इस सुपर कपूर को तुम लोफर कहकर बुला रहे हो ये प्रॉपर नहीं है समझे ना जरा सोच के बात करो देखा आपने देखा पटेल जी आपने देखा आप सबने पंचायत को जरा भी सम्मान नहीं दे रहा ये अरे ऐसे लोगों को इज्जत देके क्या फायदा है ओ हेलो पटेल जी के कान भरना बंद करो आप लोग चाहे तुम बोलो पटेल जी बोले या पटेल जी के बाप दादा आकर बोले इस पंचायत की पावर मुझ पे नहीं चलने वाली है आप लोग ऐसी हरकतें करते रहे ना तो धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा जैसे इतने दिनों से बहुत पानी छोड़ रहे हो अच्छा तो इतने दिन अच्छे से धोए नहीं हो क्या अपने हाथों को तुम पानी ठीक से नहीं छोड़ते हो ऐसी कंप्लेंट आई इसलिए हमने पंचायत बुलाई सोचा तुम्हें थोड़ा समझाएंगे लेकिन तुम तो पंचायत को ही सुना रहे हो अब मेरी बात सुनो आज से तुम्हें इस पानी छोड़ने के काम पर से हम निकालते हैं ये पंचायत का फैसला है ये तुम्हें मानना ही होगा क्या कहते हैं चलो बिल्कुल अरे 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 सुनो तो रुको ना क्या है ये अरे
अरे तुम्हारी तो रुको तो, कहाँ भाग रहे हो? इतने दिन जब चाहे जहाँ चाहे पानी भरवा लिया और अब पटेल ने और भरत ने कान भर दिए तो आप लोग मेरा काम छीन कर मेरे जीवन को ही बर्बाद कर दे रहे हो। कैसे लोग हो तुम लोग? सभी पिछड़ी रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। तू है तुम्हारे ऊपर। इस रास्ते पर साइकिल चला के मेरा पिछवाड़ा दर्द करने लगा। ये मंत्रियों को इस साइकिल पे बिठा के चार चक्कर लगाने चाहिए, तब समझ में आएगा। पूरा रास्ता गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है। लेक्चर के बाद क्या करेंगे? एग्जाम्स में अच्छा करो, ऑल द बेस्ट। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, लोकेशन भी आ गई है। जब तक हम पहुँचेंगे रिसेप्शन तो खत्म हो जाएगा। ये पागल तो जीप लाने गया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे ओ सुनो, प्लीज प्लीज मुझे ऐसे मत बुलाओ। यहाँ का दर्द यहाँ शिफ्ट हो जाता है। पूरी दुनिया मुझे भाई कहकर बुलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर तुम्हारी ऐसी बातों से हार्ट में दर्द होता है। ए, तुम्हारा हार्ट गया भाड़ में? जीप लाने गए थे, लेट क्यों हुआ ये बताओ। अच्छा, क्या बताऊँ तुम्हें, रास्ता इतना खराब था, जीप का तो टायर ही फूस हो गया ना। फिर वो शाम भाई का इंटरनेशनल साइकिल लेके आया तो इतना लेट हो गया। अरे तुम्हारी वजह से हमें रिसेप्शन में जाने से लेट हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन तो मुझे भी है, खाना मिस हो गया तो। एक्सक्यूज मी, आप सब अपने फ्रेंड की शादी में जाना चाहते हैं लेकिन आपकी गाड़ी खराब हो गई है, राइट? ये यहां क्या कर रहे हैं? डोंट माइंड, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, क्या आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं, लव स्टूडेंट। लव मैरिजेस जहाँ भी होती है मैं वहाँ जाना कभी मिस नहीं करता। मैं आयशु का बहुत ही दूर का करीबी दोस्त हूँ। हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड स्टिल अ बैचलर। लव का प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है और बहुत जल्द कंफर्म होने के चांसेस भी हैं। एनीवे, विल यू ऑल जॉइन मी? हाँ हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है। नाम क्या बताया था? सिद्धार्थ। बस इतना ही बोलते तो भी चलता। ये क्या आयशु, सिद्धार्थ के बारे में तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। बताने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। ये हमारी हेल्प करने नहीं आया है, चुप रहो तुम। देखा ना, देखा आपने, आयशु हमेशा से ऐसी ही है, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, और इसीलिए मैं भी इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बातें बनाना कोई इससे सीखे। एनीवे फ्रेंड्स, लेट्स गो। ये एक मिनट, आपकी गाड़ी मजबूत तो है ना? क्यों? तीर्थली के रास्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एकदम गड़गड़ गड़गड़, जरा सी गड़बड़ हो गई तो फंस जाएंगे। नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी कार, इट्स एन ऑडी। हाँ वही कह रहा हूँ, गाड़ी अगर 10,000 एक्स्ट्रा दे देते तो सेकेंड हैंड ओम नहीं आ जाती ना। ओके ओके, तो चलो चलते हैं। आयशु चलो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं, चलो मैं नहीं जाऊंगी। अरे हेलो, एक्सक्यूज मी, उस दिन आपने मेरी गाड़ी ठोक दी थी और आप कुछ पैसे देने वाली थी रिपेयरिंग के लिए, वो कुछ? मैं कोई उधार नहीं रखती, उस दिन बोला था ना मैंने। ठीक है मैडम, नाराज मत होइए, जितना भी बाकी है बाद में दे दीजिएगा, एटलीस्ट इसी बहाने हम थोड़ा टच में रह सकते हैं ना। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा था कि ये ट्रेडिशनल ड्रेस आपको एक इंडियन टच दे रही है। थैंक्स। थैंक्स की जगह ये अपना दिल दे देती तो मजा आ जाता। मुझे लगता है बैलगाड़ी इससे भी फास्ट चलती होगी। हेलो सिद्धू जी, जरा गाड़ी तेज चलाइए। अगर मेरी जीप होती और ऐसी लड़की बाजू में होती ना तो सिर्फ 3 व्हील्स पे व्हील ही मारता मैं। 3 व्हील्स? वो तो ऑटो के होते हैं ना। स्टंट्स बाद में कर लेना, पहले गाड़ी सही से चलाना सीख लो। अरे तुम्हें मेरे ड्राइविंग पे शक है? मेरे ड्राइविंग पे? अर्जुन का धनुष पकड़ना और मेरा स्टीयरिंग पकड़ना दोनों एक ही बातें हैं। अरे इसीलिए जीप पंक्चर हो गई और हम शादी में लेट जा रहे हैं। ज्यादा लेट जाएंगे ना तो अपना इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, समझ गई डार्लिंग? बराबर है ना सिद्धू? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर भी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई इम्पोर्टेंट चीज हो या इंसान हो, ज्यादा देर करने से वो हाथ से निकल जाता है। आपकी जीप का टायर पंक्चर हुआ वो तो बुरा हुआ, लेकिन वो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा हो गया, इसे कहते हैं किस्मत। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। टीवी सीरियल में काम करोगे क्या? मैं चांस दूंगा ना। ओ आप डायरेक्टर पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा वो रहने दो, आप कहाँ तक पढ़े हो? MBA। बस इतना ही, कम से कम 10वीं तक तो पढ़ लेते ना, पैसे खत्म हो गए क्या? अच्छा आपने PhD किया है? नहीं नहीं, डिग्री किया है 10 साल में। ए, 180, धीरे चलाओ ना। क्यों डर लगता है क्या? मुझे नहीं, इन दोनों को डर लगता है ना। आप रॉकेट की तरह गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी खराब हो गई ना तो अच्छा खाना मिस हो जाएगा और कुछ नहीं। आई सी। ये गाड़ी तो गई का। अरे क्या हो
हो गया गाड़ी को? प्रॉब्लम हुई होगी, मैं अभी देखता हूं। मेरा दिमाग फ्रैक्चर हो गया रे। तुम्हारा मुंह कितना मनहूस है, खोलते ही गाड़ी खराब हो गई। देखो अभी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो पहले ही बोला था ना, ये तीर्थली का रोड बिल्कुल सही नहीं है, गाड़ी खराब हो जाती है। मेरी बात नहीं सुनी तो हो गई गाड़ी खराब। उस गाड़ी को ठोक दिया था तो ये गाड़ी मंगवाई थी, अब ये गाड़ी भी प्रॉब्लम दे रही है। ओ तुम्हारे गाड़ी में पावर ब्रेक है क्या? थोड़ा और जोर से दबाते ना तो मेरा सर ब्रेक हो जाता। बहरे हो गए क्या? चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ। इसमें तो वो पाइप रहता है ना 7 इंच का पंप करने के लिए। अरे वो पाइप जीप में होता है, ऐसी कार में नहीं, ये ऑडी है, ऑडी। हाँ इतना फास्ट चला रहे थे, गिर गया होगा वो पाइप। ऐसा है तो नीचे झुक के देखो ना। अब किसके किसके सामने झुकना पड़ेगा। जब ऐशु सर मैं तभी ये बोलता क्या तो बहुत लेट हो रहा है। गाड़ी है ये आपकी, नीचे से पूरा पैक करके रख दिया। हमारी ओमनी सबसे बेस्ट है, नीचे से देखा तो आसमान दिख जाता है। चलो हटो यहाँ से। स्टाइल मारने के लिए खुला था। ऐशु अभी यहाँ इस वक्त एक गाड़ी ठीक होना मुश्किल लग रहा है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? ठीक है, लिफ्ट। हाँ लिफ्ट। अब मुझे क्या देख रहे हो? प्लीज लिफ्ट 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 लिफ्ट। अरे इससे कुछ नहीं होगा, लिफ्ट मिलेगी तब तक शादी खत्म हो जाएगी, लड़का लड़की चले जाएंगे हनीमून के लिए और हमें जाके बची हुई सारी प्लेट्स धोनी पड़ेंगी। क्या करेंगे अब? अरे सिद्धू यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, वहाँ चलते हैं क्या? रिजॉर्ट में? हाँ रॉयल ऑर्किड। वाह क्या बात है। नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं आऊंगी। ऐशु फिर से ऐशु बोला मुझे तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अरे देखिए ना हमें यहाँ कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है और टाइम भी निकला जा रहा है, रात होने वाली है, दो जवान लड़कियाँ, हाईवे, फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अभी लौट कर जा भी तो नहीं सकते ना, गाड़ी को भी तो रिपेयर करवाना पड़ेगा। सिचुएशन को समझो ना ऐशु प्लीज। अब चलो ना, अब चलिए ना प्लीज। चलो डाले, छोड़ो मुझे। अरे सिद्धू रुको मैं भी आ रहा हूं। चलो ना चलते हैं। अरे नहीं नहीं इनके साथ कैसे जा सकते हैं? हो रही है और क्या करेंगे हम? नहीं जाना है यार। और कोई अरे रुको तो। ओके सर थैंक यू। ये बहुत नई जगह है। एक्सक्यूज मी क्या चाहिए सर आपको? हमें सोने के लिए एक रूम चाहिए। तकिया नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन चटाई तो चाहिए है ना माला? हटो यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, दो रूम चाहिए, डबल बेड। हाँ सॉरी सर, कल और आज यहाँ शादी थी तो सारे रूम्स बुक हैं। एक्सट्रीमली सॉरी। इसमें नहीं तो यहाँ चेक कर लीजिए, वहाँ भी नहीं होगा। किसी के श्राद्ध के लिए बुक्ड है। अगर तुम अब चुप नहीं हो तो मैं मार डालूंगा। एक्सक्यूज मी सर, रूम नंबर 305 वेकेंट हो गई है सर। ओके इफ यू डोंट माइंड, एक डबल बेडरूम खाली हो गया है। हाँ? अगर आप एक ही रूम में एडजस्ट कर सकते हैं तो दिखा सकते। एक ही रूम है, हम सब लोग साथ साथ एक ही रूम में रहेंगे? नहीं 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 ये नहीं हो सकता। हेलो आप जितना समझ रही हैं उतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ मैं। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, आराम से सो सकती हैं आप। अच्छा ठीक है दे दीजिए। अरे चलिए ना मैडम। ये शहर के लड़के ऐसे ही होते हैं क्या? अरे तुम लोग आराम से वहाँ सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। इसे दरवाजा नहीं है क्या? आइए ना मैडम आइए। आयशु बहुत थक गई हूँ यार, अभी सोना है मुझे। हाँ हाँ आराम से सोइए आप। सिद्धू अभी तुम जाओ, जाओ यहाँ से। मैं बाहर जाऊँ? हाँ हमें अभी सोना है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ तो इतनी सारी जगह, मैं कहीं एडजस्ट हो जाऊंगा। नहीं सिद्धू तुम यहाँ पे नहीं सो सकते, बाहर जाओ। सुनो तो ऐशु इस रूम के लिए हमने जो पैसा दिया है वो वेस्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, अभी जाओ तुम। नहीं ऐशु यहाँ आसपास सिर्फ जंगल है, तुम दोनों अकेली जवान लड़कियाँ डर जाओगी तो। मुझे कोई डर वर नहीं लगता, अभी जाओ। इन्हें डर लग सकता है, उसको भी डर नहीं लगता, अभी तुम जाओ, चलो यहाँ से। मैं तो आपकी सेफ्टी चाहता हूँ ऐशु। नहीं चाहिए सिद्धू, जाना ही पड़ेगा मतलब। क्या टाइम पास कर रहा है ये। ऐशु सच में जाना है क्या? हाँ जाओ सिद्धू, एक बार और सोच लो ना प्लीज। हाँ जाओ।
ऐशु, क्या सच में चला जाऊं? हाँ, जाना ही पड़ेगा सिद्धू। काली माँ का अवतार है ये। हजार बार बोला मैंने, ऐशु को कॉलेज मत भेजो, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अभी देखो। राजीव, ऐसा क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहे? चिल्लाऊं नहीं तो क्या? शाम होने से पहले आपकी पोती हमेशा घर आती है, आज टाइम देखिए क्या हुआ। ओ, ये बात है। मुझे तो लगा कि सिर पे कोई भारी भरकम पहाड़ गिर गया है। बेटा राजीव, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, किसी सहेली के घर गई होगी, आ जाएगी। पापा, आपने उसे जो छूट दी है ना, उसी का ये नतीजा है। सुनिए, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं आप? मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा या फिर फोन खराब हो गया होगा, आ जाएगी वो। तुम अपना मुंह बंद रखो, जमाना बहुत खराब है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कुछ पता भी है तुम्हें? राजीव, क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो? तुम्हारी बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है। दुनिया कैसी है उसे अच्छे से पता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब समझती है वो। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। कब से उसका फोन नहीं लग रहा है, इसलिए इतना। आयशु का मैसेज आया है। क्या मैसेज है? मामी, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज फंक्शन खत्म करके अपने फ्रेंड की शादी में जा रही थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और बहुत प्रॉब्लम हुई। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। कल सुबह आ जाएंगे, घर में सबको बता देना, खास करके पापा को, तो आपको ही समझाना होगा, प्लीज मामी। सुना तुमने? सुना, बस इतनी सी बात है। बेकार में खुद परेशान हो गए और हमें भी परेशान कर दिया। बिल्कुल सही कहा राजीव, अपने बच्चों पर हम भरोसा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अरे थोड़ा समझदारी से काम किया करो। और डांटिए, घर में कोई ऐसे चिल्लाता है क्या? ये मच्छर भी सोने नहीं दे रहे, इनके लिए तीर्थली आया था क्या मैं? अरे यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, ये सब आज ही होना था। क्या हुआ मैडम, नींद नहीं आ रही क्या? सिद्धू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस ठंडी हवा के झोंके और आप मोहिनी की तरह कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही हैं, तो यहाँ बैठकर आप ही को ताक रहा हूँ। छुप छुप के प्यार करने वाले हम जैसे लड़कों का और क्या हाल हो सकता है? अरे बाबा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हाँ हाँ छोड़ दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? लेकिन इतनी आसानी से नहीं, आपको हिफाजत से आपके घर पहुँचाने तक आप मेरी जिम्मेदारी हो। हेलो, आप इतना रिस्क मत उठाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। वो तो जब आपने मुझे रूम से निकाला था तभी समझ गया था मैं। अगर आज आप मुझे उस रूम में सोने देती तो मैं अपनी अच्छाई आपके सामने प्रूव कर सकता था, लेकिन आपने तो मुझे वो चांस ही नहीं दिया। एनीवे, गुड नाइट, जाके सो जाइए। अब इन मच्छरों की बारी। 101, 102, 103, 104। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मच्छरों को परेशान करना बंद करो और रूम में आकर सो जाओ। सिद्धू, दिल में लड्डू फूटा क्या? आ रहे हो या नहीं? यशु, जगह मिल गई क्या? हाँ, आराम से पहुंच गए ना? तो कैसी है जगह? शैतान है ये। ए, हम लड़कियों को बुरा लगे ऐसा कोई काम नहीं करते, आप आराम से सो सकती हैं। गुड नाइट। ध्यान रखना, हैप्पी हनीमून, बाय, टेक केयर। अरे ये आयशु है ना? हाँ वही तो है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, ये कौन है और ये क्या कर रहा है? क्यों मार रहे हो उसको? सिद्धू क्या हो रहा है?
मैं तुम्हें बहुत डिसेंट समझती थी, मगर आज तुम्हारा असली रूप सामने आया। मुझसे प्यार करते हो ये दिखाने के लिए तुम किसी और को मार रहे हो? हाँ ऐशु, वो तो चुप रहो सिद्धू। ये पहली बार है कि मैं घर वालों की परमिशन के बिना बाहर निकली हूँ और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाँ मुझे लगा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर मैं गलत थी। देखो अब बहुत हो गया, फिर कभी मुझे मुंह मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ सिद्धू, गेट आउट। आयशु, पवित्रा आंटी आप यहाँ पर कैसे? हमारे यशु की शादी थी ना, तो उसके लिए यहीं पे रिसॉर्ट पे रुके थे। एक्चुअली हम भी आपके बेटे की शादी के लिए ही निकले थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए रात में हम लोग इस रिसॉर्ट में रुक गए। आयशु ये लड़का कौन है? वो उसका नाम सिद्धू है, कहता है कि मुझसे प्यार करता है और पीछे ही पड़ गया है। किसी बेचारे को मार के मेरे सामने इम्प्रेशन मार रहा था, इसीलिए मैंने उसे खरी खोटी सुनाई। आयशु तुम गलत समझ रही हो। मतलब? सच में तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। टेंशन ले रहे हो भाई, तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा, तुम भी मजे ले लेना। फिगर बहुत मस्त है। अपनी गंदी जुबान बंद कर। ऐशु मेरी है, जान से भी ज्यादा चाहता हूं मैं। और तू उसके ऐसे वीडियोस बना रहा था। तेरी तो मैं। ए, मैं कौन हूँ पता है क्या? रामी और प्रकट रामी। मेरा नाम सुनते ही पूरा शहर कांप उठता है और तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। बाहर आओ फिर दिखाता हूँ। गलत काम खुद करता है और धमकी मुझे देता है। तो ये हुआ था सच में? ओ गॉड, मैंने तो गलती कर दी। सिद्धू को बताना चाहिए था कि इतना सब कुछ हुआ है। तुम्हें दिखाना नहीं था उसे, वो बस तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता था। और तुमने सच्चाई जाने बिना ही बहुत डांट दिया बेचारे को। इतना ही नहीं, कल रात को मैं तुम्हारे रूम की तरफ आ रही थी। साले मेरी जान का कौन चूसता है, तो मैं फसल के रख दूंगा। आयशु ऐसा लड़का तुम्हें पाना चाहता है, तुम बहुत लकी हो। एक बार सोचना। ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है ये? आयशु हाँ क्या सोच रही हो बताओ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माला, चोरी छिपे प्यार करने वाले उस सिद्धू के मन को मैं समझ नहीं पाई। मैंने उसे बहुत डांटा और वो भी बुरा मान के मुझे छोड़ के चला गया। तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फोटो तो मिल गई, आपने जिस लड़की की फोटो भेजी थी वो मुझे मिल गई है। कितनी सुंदर लड़की देखी आपने मेरे लिए मम्मी, मान गया आपको। चाहे कितना भी ढूंढ लो इस दुनिया में ऐसी लड़की मिल ही नहीं सकती। एक बात बताइए मम्मी, ये लड़की आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? बेकार में ही मैंने यहाँ अपना इतना टाइम वेस्ट किया। अरे मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, हाय अगर ये फोटो मैंने पहले देखी होती ना तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती, छोटे छोटे बच्चे होते, आप हमारे बच्चों के साथ खेल रहे होते। हाँ
मम्मी एक मिनट। हाँ ऐशु कार रेडी है, हाँ हम चल सकते हैं। अच्छा शांति से रहने वाले किसी लड़की को प्यार के चक्कर में फंसा के शादी की बात कर रहे हो? तुम तो किसी और से शादी करने वाले हो? हाँ मैं इसी से शादी करने वाला हूँ। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं नहीं मैं तो इससे करूँगा। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता था लेकिन अब नहीं करता। इसे देखो ना कितनी सुंदर है, मैं तो इसी से शादी करूँगा। अरे सॉरी ओके। ये तो मैं हूँ ऐशु, मम्मी ने इसी का फोटो भेजा था। ये लड़की अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। हमारी जोड़ी क्यूट लगेगी ना? आई लव यू सिद्धू। और आगे क्या हुआ? और फिर दादाजी, कॉलेज डेज आर गोल्डन डेज बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सच निकला। दादी मैंने कितना मजा किया पता है? मैंने कितनों को तंग किया मुझे याद भी नहीं है। कॉलेज खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कॉलेज में खाना बनाना भी सिखाते हैं क्या ऐशु? अचार डालना सिखाते हैं, रोटी बेलना सिखाते हैं, बैंगन का भुरता बनाना सिखाते हैं। पागल। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें भी कॉलेज भेज देता हूँ सीखने के लिए। जाइए। आगे क्या हुआ ये बता। ये क्या बोल रहे हो सिद्धू, आयशु ने हाँ कर दी? यस डैड, आयशु तीर्थली की लड़की है, 1000% ऑर्थोडॉक्स गर्ल एंड वी लव ईच अदर। वाओ। हमारे शहर में तो लड़कियाँ भी लड़कों की तरह रहती हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनका बिहेवियर, पता नहीं क्या सोचती हैं। अगर मेरी ऐशु, उसकी चाल, उसकी बातें, उसका नेचर, सब कितना प्योर है डैड, बहुत ही प्योर है। अरे रुको सिद्धू, कांग्रेट्स बेटा, मेरी बहू को घर कब लेकर आ रहे हो? आयशु, हाय शु, हे हे, आयशु रुको, आयशु रुको ना, क्या हो गया? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ छोड़ो मेरा। क्या हुआ? घर पे सब राह देख रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, छोड़ो मेरा हाथ। मैं भी यहाँ तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था आयशु। मैंने नहीं बोला था वेट करने को। ये क्या कह रही हो आयशु? अब किसी को मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। क्या मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है, आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग। ऐसा हुआ क्या है बताओ तो प्लीज। अब और सवाल नहीं, गुड बाय। आयशु क्या हुआ बताओ तो सही प्लीज। आयशु Cheers. I'm so happy today. वो क्यों? इस साल हमारी कंपनी का टर्नओवर डबल हुआ है। Good. Actually, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। क्यों? जान सकता हूँ? मेरी बहू जो आ रही है इसीलिए खुश हूँ। बहू आने के बाद तुम मुझे मत भूल जाना। क्या? आप भी ना, हर बात पे मजाक। आयशु हमारे सिद्धू के साथ हमेशा खुश रहे, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। You are right, Ruku.
एक मिनट, उसी को फोन करता हूँ, बात कर लेते हैं। हाय सिद्धू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम कहो तो अभी के अभी शादी की डेट फिक्स कर दें। यार क्या है, तो शादी करना जरूरी है क्या डैड? अरे सिद्धू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आयशु ने कुछ दिल दिया, वादा किया, लेकिन जैसे ही मैं पास गया मुझे ठुकरा दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया उसने? क्यों किया उसकी वजह जानकर मैं क्या करूंगा डैड? मुझे आयशु चाहिए, उसका प्यार चाहिए, आखिरी सांस तक उसके साथ जीना चाहता हूं मैं बस। सिद्धू, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम बताओगे तो सोल्यूशन सोच सकते हैं बिफोर यू लूज हर, अंडरस्टैंड? Are you listening to me? Dad, मैंने आज तक कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन फिर भी उस भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। Aishu has brought a new light into my life. How can I lose her, Dad? How can I lose her? Siddhu, मेरी बात सुनो। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका भोलापन, ये सब मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा डैड। हेलो सिद्धू, 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 हेलो, ओह माय गॉड, सिद्धू, 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 घर आ गया। मेरा मन नहीं है घर जाने का। ऐसा क्यों? तुम भी आ? ऐसे चुपके चुपके तुम्हारा आशिक बन के आने से अच्छा है कि मैं सीना तान के इज्जत से उस घर का दामाद बनूं। सच में? हाँ सच में। फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। हे, बस इतना है और कुछ नहीं? और क्या चाहिए था आपको हुजूर? बहुत कुछ। मतलब? इतने सालों में ये पहली बार हुआ है कि तुम घर से बाहर रही हो मेरी परमिशन के बिना। डर नहीं लगा तुम्हें? साथ में फ्रेंड्स थे पापा। अगर साथ में कोई होता है तो डर नहीं लगता। गलती हो गई, माफ कर दीजिए पापा। अभी क्या कर सकते हैं, तुम भी कितने दिनों तक वही चेहरे बार बार देखोगे, है ना? अब आगे भी ऐसे अचानक तुम्हें कहीं जाना पड़े तो वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। पापा, आप ये सब मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं या मुझसे नाराज होके बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और तुम्हारी चिंता भी हो रही है। ऐशु, अब तुम्हारा इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम्हारी बातों को मानने वाला, तुम्हें समझने वाला, एक रानी की तरह तुम्हारा ख्याल रखने वाला लड़का बहुत जल्द ही ढूंढूंगा। लेकिन पापा, सुनो, पसंद नापसंद के लिए वक्त नहीं है। मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है उसे, तो मेरा डिसीजन ही फाइनल होगा, समझे? नहीं आयुषु, तुम इस
सिद्धू के बारे में उन्हें तभी बता देना चाहिए था। मारी डालते वो। मेरे पापा के बारे में अच्छे से जानती हो ना तुम। फैमिली, सेंटिमेंट्स, खानदान की इज्जत, इन सब के बारे में सोच के प्यार को छोड़ देना ही सही लगा मुझे, इसीलिए मैंने। तुमने तो डिसाइड कर लिया ऐशु, पर वो सिद्धू जान से भी ज्यादा चाहता है तुम्हें, उसके बारे में थोड़ा तो सोच लेती। मैं अभी कुछ भी नहीं सोच सकती, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। जाओ, आओ बेटा, ये ये क्या भरत? अरे मामा राम राम, बड़े सही समय पर आया आप। ये क्या है, पॉलिटिशियन की तरह दान धर्म करने लगे हो आजकल? ग्राम पंचायत की इलेक्शन लड़ने वाले हो क्या? इलेक्शन के लिए नहीं मामा, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए? इसका क्या मतलब है? क्या मामा, अपनी बात को इतनी जल्दी भूल गए आप? कौन सी बात? आपने बोला था ना कि आयशु की पढ़ाई के बाद हम दोनों की शादी कराएंगे। बस आयशु का कॉलेज जल्दी से खत्म हो जाए, मैंने देवी से ये मन्नत मांगी थी, इसीलिए इन अनाथ बच्चों को, गरीबों को मैं वस्त्र बांट रहा हूँ मामा जी। देखो भरत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ, जब तक आयशु राजी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अरे मेरा नसीब, आप भी यहाँ ऐसी बातें कर रहे हो, और वहाँ मेरी आयशु आती है, मिलती है, बातें करती है, और जब लगता है कि वो मान जाएगी तब कुछ न कुछ बहाना बना के भाग जाती है। ऐसा चलता रहा तो मैं मेंटल हो जाऊंगा। हो जाऊंगा का क्या मतलब है, तू पहले से पागल है? देखो भरत, जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। अब अपना काम करो। अरे उल्लू के पट्टे, तेरी ये रोज की कहानी है। पोती के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर तो आता नहीं, बस चापलूसी करता है और कमीशन लेके जाता है। जरा ये रिश्ता तो देखो। नमस्कार दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो, उठो। अरे दादाजी, जल्दी ही भगवान मेरा घर बसा दे, ये आशीर्वाद दे दीजिए। तुमने ये क्या आशीर्वाद मांग रहा है? भगवान की दया से बहुत जल्दी तेरा घर बस जाए। चल बेटा अब उठ जा। थैंक यू दादाजी। तू है कौन बेटा? वैसे तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, लेकिन प्यार से लोग मुझे सिद्धू बुलाते हैं। हमारे पूर्वज यहाँ पड़ोस के शहर में ही रहते थे। मेरे दादा का नाम था सिद्ध गंगैया। दादा दादी के गुजरने के बाद मैं, डैडी और मम्मी बैंगलोर में सेटल हो गए। दादा जी, आपको एक और बात बताऊं, मेरे घर में आपके बहुत सारे फोटोज हैं। उनको देख के मैंने डैडी से पूछा, डैडी ये आदमी कौन है? तो मेरे डैडी ने बताया कि ये तीर्थली के बहुत बड़े जमींदार हैं और एक इंसान के रूप में भगवान हैं। और क्या कहा है पता है, मुश्किल से मुश्किल समय में भी अगर कोई आपके सामने आधी रात को भी हाथ फैला देता है तो आप हंसते हंसते उसकी मदद कर देते हैं, ऐसे दानवीर हैं आप। वो सब तो ठीक है, इतने दिन शहर में रहने के बाद आज पूर्वजों की तुम्हें याद आई, ऐसा क्या हुआ? ओ दादाजी, वो सिटी की लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इसीलिए जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहीं रहने के लिए आया हूँ मैं, अब वापस नहीं जाने वाला। बहुत अच्छा, सही सोचा बेटा। अगर तुम्हारी तरह सारे पढ़े लिखे लोग सोचें तो फिर इस देश में बहुत जल्द राम राज्य आ जाएगा। इसीलिए मुझे आपकी मदद और मार्गदर्शन दोनों की बहुत जरूरत है। हम जरूर करेंगे बेटा, तुम जैसा नवयुवक अगर गांव में आकर अपना जीवन बिताना चाहता है तो हमें तो खुशी होगी। हमसे जो भी बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे, सही कहा ना? थैंक यू दादाजी। आप पर मेरी नजर पड़ गई है तो ये काफी है। तुम्हारी जीवन साथी जहाँ कहीं भी है उसको ढूंढ कर तुम्हारे घर पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ मेरी। फिर से चालू हो गया। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, ख्याल रखना अपना। जीते, लड़का बड़ा अच्छा है। मैं हमेशा सुपर कपूर हूँ ये बोलकर इस गांव में घूमा करता था, लेकिन इस गांव की सारी औरतों ने मिलकर मेरा काम छीन लिया और मेरे पेट पर लात मार दी। अपनी दुख भरी कहानी किसको सुनाओ? अरे मैं हूँ ना, मुझे सुनाओ। चले आओ बैठो, कम से कम तुम तो आए मेरी दुख भरी दास्ता सुनने के लिए। लव यू। अरे बाबा, अंतड़ी, जिगर, किडनी, कलेजा ये सब बाहर निकलने के कगार पर है, ऐसा क्या हुआ? पूरी रात रामायण सुनने के बाद सुबह को पूछता है कि इसमें रावण कौन था। आज क्या हुआ ये तो तुम जानते हो ना सिले। भाई तुम्हारा ये दुख मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ एक बैग मारूं? नहीं। क्या हुआ? शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर तुम भी तो पी रहे हो ना? मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि पीने के बाद क्या होता है। अरे वाह, खुद अपना जिगर जला के दूसरों का जिगर बचाने वाले तुम कलयुग के करण हो। वो पंचायत के पटेल और भरत दोनों ने मिलके आपको अपने काम से निकलवाया है,
मैं भरत से बात करता हूँ, आपको अपना काम वापस नहीं दिलाया ना तो आज के बाद मेरा नाम भी सिले नहीं। ए, तुम तो बोल दोगे लेकिन पंचायत के मुखिया को मनाना पड़ेगा, उसका क्या? उसे भी मना लेंगे। हाँ। आप थोड़ी सी भीख तो मांग लेंगे ना? तू मेरा जो खानदान है ना वो कस्तूरी निवास का है, समझा? हम सिर्फ देते हैं, हाथ फैला के मांगने की आदत हमारे खानदान के इतिहास में नहीं है। ए, मेरा दादा कौन है जानता है क्या? कौन है? मेरे पापा के पापा। सालों से इस गांव को पानी देने वाले हम हैं, हम। और आज मेरे मुंह में पानी की जगह ये दारू है, बहुत दुख हो रहा है रे, बहुत। मुझे भी दुख हो रहा है लेकिन दारू बांटने से दुख कम होगा। अरे शराब सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। सिले आप, क्या हुआ? इस कपूर के दर्द को सुनने के लिए तुम्हें यही बैठना पड़ेगा। अरे बाप रे। सिले बड़े क्या बोलते हैं जानते हो? क्या बोलते हैं भाई? वो तो बड़े ही बोलेंगे ना, उनसे पूछो। पर ये कपूर तुम्हें एक बात बोल रहा है। हाँ? जीवन में जी भर के पियो या फिर मरो। बिल्कुल सही कहा। ए? शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। ए? समझ गया भाई। जिन्होंने आपका ये हाल किया है उन्हें सबक सिखाने के लिए मेरे पास सुपर आइडिया है, बताऊं? क्या आइडिया है? सुपर आइडिया। भाई इतना भी मत पियो कि यहीं पे उल्टी हो जाए। क्या बोला? उल्टी? वो भी मैं? हाँ। तू इस कपूर की कैपेसिटी को नहीं जानता, लीटर पे लीटर, टैंकर पे टैंकर पी सकता हूँ। उल्लू का पट्टा कहीं का, आग लग जाए इसे, बाहर निकल गई इसकी कैपेसिटी। उल्टी करने का चांस ही नहीं है। ऐश्वर्या कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ पंडित जी। तुम्हारी एंगेजमेंट हुई सुनकर बहुत खुशी हुई, तुम्हारी जोड़ी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। भगवान तुम्हें खुश रखे। आपका राशि नक्षत्र बताइए, आपके लिए पूजा कर दूंगा। वो मैं बताता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? नाम चेतन, तुला राशि, चित्र नक्षत्र और विष्णु गोत्र, एम आई राइट? और ये है ऐश्वर्या, इनके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। चलिए अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। हैरानी हो रही है क्या? होनी चाहिए। वैसे तो मेरा नाम सिद्धार्थ है लेकिन प्यार से सब लोग मुझे सिद्धू बुलाते हैं। हाथ मिलाइए। हाय, मैं आयशु के बहुत दूर का करीबी रिश्तेदार हूँ। ओह हाँ। अच्छा, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली ये सोचकर हैरान होना होना भी चाहिए। पहले पूजा कर लीजिए, अगर लेट हो गए तो देवी जी बहुत नाराज हो जाती है। ओह आयशु, मैं चलूं, बाहर वेट करता हूँ। ओके। ये कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी करेगा। सच में अच्छी हो गई पूजा। आयशु तुम वहां बैठो, मैं प्रदक्षिणा लेकर आता हूँ। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? अरे बैठे रहिए प्लीज। वैसे आप तो हमेशा अच्छी ही रहती हैं, हम ही ऐसे हैं। अच्छा मैंने सुना एंगेजमेंट हो गई, मुझे बुलाया नहीं आपने, चलो रहने दो। अच्छा मैं बकरा मिलाया आपको। क्या? वहाँ देखो ना आयशु, कानों में फूल लगाकर चक्कर पे चक्कर मार रहा है, अब तो भगवान को सामने आना ही पड़ेगा। Stop this nonsense. Nonsense? चेतन मेरा मंगेतर है। पता है? उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। ओहो, इतनी sentimental. He's a gem of a person. देखते ही पता चल गया। प्लीज हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। छी, 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 छी। मैं ऐसा लड़का लगता हूँ क्या? क्या तुम मुझे जानती नहीं? मैं तो तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी परमिशन मांग रहा हूँ। और देखो तुम,
तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सर हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आइए बैठिए ना, बैठिए तो। आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। व्हाट अ पेयर सर। थैंक यू सो मच। आप तो नंबर वन हस्बैंड मटेरियल हो। अरे आप शादी से पहले ही इतने केयरिंग हो तो शादी के बाद कितने केयरिंग होंगे यार। आप तो सच में बहुत ग्रेट हो। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। आप यहाँ पर? अरे मैं तो आपका वेल विशर हूँ सर। और हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। इधर आइए। एक्चुअली क्या हुआ था सर? हमारे प्यार के बारे में ये चेतन को बता देगा। एनीवे तो मैं अभी चलता हूँ। और आयशु कांग्रेट्स वंस अगेन। टेक केयर सर। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी। बाय। ही इज रियली अमेजिंग। वैसे बहुत कुछ जानते हैं हमारे बारे में। अच्छे इंसान है वो। चलो चलते हैं। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम है सिद्धार्थ, लेकिन प्यार से सब मुझे सिद्धू बुलाते हैं। ओहो, आओ ना सिद्धू, वहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, आओ। दादाजी, आपके आशीर्वाद का फल देखिए। आपके गांव में रहने के लिए आया था मैं, और अब आपके घर में पैर रखते ही मेरे जीवन का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। आप इसे कैसे जानते हैं? कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं जानता होगा इसे। इसके दादाजी और मैं क्लोज फ्रेंड रह चुके हैं। नाम है सिद्ध गंगैया, पास के गाँव में रहते थे। आगे की कहानी मैं बताता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। बोलो आगे बोलो। हाँ, अगर एक शब्द में कहूँ तो आपकी बेटी की हाय शादी करवाने के लिए आया हूँ। ये काम करवाने वाला मैं कौन हूँ, यही सोच रहे ना आप? जवाब बहुत 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 सिंपल है। जहां कहीं भी देखें, शादी की तैयारी से लेकर पति पत्नी को हनीमून भेजने तक, इन सब का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। आपने भी देखा होगा, शादी पे आए हुए मेहमानों का कोई भी अच्छे से कपड़े पहनकर, साड़ी पहनकर ही अपने दांत दिखाकर स्वागत करता है। वो सब कितना आर्टिफिशियल लगता है। लेकिन मेरी राय में शादी एक त्योहार की तरह होनी चाहिए, जिसमें परिवार वाले, रिश्तेदार सब लोग मिलकर हंसते खेलते एक विवाह को शुभ बना देते हैं। सही कहा ना माँ? सब बच्चे एक जगह इकट्ठे होकर बहुत मजे करते हैं और सबके साथ प्यार बांटते हैं। शादियाँ सिर्फ एक घर का ही उत्सव नहीं होती। हमारे घर के लोग दूसरे घर में जाते हैं, दूसरे घर के लोग हमारे घर में आते हैं, और ऐसे ही ये उत्सव मनाया जाता है यहाँ हमारे घर में, उस भाड़े के हॉल में नहीं। सही कह रहा हूँ ना दादाजी? बेटा सही कहा, आज से ऐशु की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी, चलेगा ना? देखो देखो सेठ के चेहरे पे रौनक तो देखो। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव, इसके प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो। ये रहा बुध गुरु शुक्र शनि आ। बच्चा मैं अपने पंचांग की कसम खाकर कहता हूँ, आज से ठीक 15 दिन बाद तुम राज करोगे, क्योंकि तुम्हारा राज योग बन रहा है। अच्छा, क्या मेरे बगल में रानी भी रहेगी? फंस गया मैं। रानी? रानी भी रहेगी, रानी भी रहेगी। कमानु डार्लिंग, सिडोनु डार्लिंग, कमानु डार्लिंग, सिडोनु डार्लिंग, डिंगु डांगु डिंगु। बकरा फंसता ही जा रहा है। सेठ जी वापस आइए। हाँ पंडित जी। आप जो भी सोचेंगे वो सब होता जाएगा, राजयोग है आपका। पंडित जी क्या आप सच कह रहे हैं? पैसा आ रहा है। Coming darling, आयो आयो, sitting darling, आयो आयो, coming darling, आयो आयो, sitting darling, आयो आयो, डिंगु डांगु डिंगु। क्या बात है गुरुजी, आप तो कह रहे थे राजयोग इनका है, मगर मुझे तो लग रहा है राजयोग आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। अरे धीरे बात कर सेठ जी, स्वप्न में खो गए हैं, इसका फायदा उठाकर थोड़ा और कमा लेता हूँ। सेठ जी। हाँ बोलिए ना पंडित जी। समझ में आ गई, मुझे आपकी मनोव्यथा समझ में आ गई। गुरुदेव प्रश्न का जवाब मिले, 1 2 3। ओहो, क्या बढ़िया योग है आपका सेठ जी। आप जिस लड़की को पसंद करते हैं
उसके साथ डुएट गाना गाने का समय पास आ रहा है। जय हो गुरुदेव। अरे रुको ना, मिलेगा। पहले ये सब उठा लेता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों समेट रहे हो, थोड़ी और कमाई भी हो सकती है ना। तू ठहरा, एकदम मुँह रख। अगर ये अपने सपने से बाहर आ गया और हमारा भांडा फूट गया तो हमारी जम के कुटाई करेगा। चल किसी और को फंसाते हैं, भाग। ये ले चिल्लर लेना और चिल्लाना मत। चेतन, आपको मेरी कोई फिक्र है या नहीं? क्या हुआ अभी? आप सिद्धू को अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? कबाब में हड्डी कहीं का। आपको नहीं लगता कि हमें प्राइवेसी चाहिए? नो वे आयशु, ये जो सिद्धू है ना, वो हम दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह है। वैसे भी शादी के बाद हम एक साथ ही रहने वाले हैं। वो बात नहीं है, लेकिन सॉरी, वो मम्मी का कॉल आ गया था। शादी कर लो ये बोल कर जोर डाल रही है, लेकिन लड़की भी तो। व्हाट इज दिस सिद्धू, तुम ही तो शादियां करवाते हो और तुम इस शादी से दूर रहना चाहते हो। एक्चुअली चेतन सर, बात ये है कि मैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी ना, आप उनकी बातों में क्यों पड़ रहे हैं? आयशु, सिद्धू एक अच्छा लड़का है, एक बार उससे बात करो तो ऐसा लगता है उसे सालों से जानते हो। क्या बात कही है चेतन सर, लेकिन क्या है ना, जिस किसी ने भी ये कहा है वो बहुत दूर चले गए हैं। रहने दीजिए। ओके, अब बहुत देर हो गई, चलो चलते हैं। ओके सिद्धू, अब तुम्हें ही मेरी और आयशु की शादी बड़े धूमधाम से करानी है, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, ठीक है? अरे बिल्कुल सर, मेरा यही तो काम है। ओके आयशु, चलो चलते हैं। जोरदार हुई है डार्लिंग। यस शिष्य, ये सब लोग कौन हैं? ये सब आपके भक्त हैं स्वामी जी, सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रवेश शुल्क लिया है ना आप लोगों ने? हाँ, वो जीएसटी की गाइडलाइंस भी फॉलो करना। कार में स्वाइपिंग मशीन है, बाद में सबसे स्वाइप करवा देना, समझ रही हो ना? अब एक एक करके सब आइए, चलिए आगे चलिए। स्वामी जी आप स्वामी जी नहीं हो। एक लात मारूंगा, क्या बोल रहा है? मैं स्वामी नहीं हूँ। नहीं, आप स्वामी जी नहीं हो, मेरे लिए भगवान हो, भगवान। ठीक है, बोलो बेटा बोलो, तुम लक्ष्मी को पाने तक रुकना मत। स्वामी जी वो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्य है। हाँ भाई, वही आगे बोलो। स्वामी जी आप मेरे लिए भगवान है, मेरी मूछे नहीं थी इसलिए मेरे साथ कोई शादी नहीं कर रहा था, सब लोग मुझे बच्चा समझते थे, लेकिन आपके आशीर्वाद का फल मिला और मेरी शादी हो गई। आपने मुझे अपना कर ये दिखा दिया कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, आपने मुझे जीने का मकसद दे दिया है। शिल्ले, स्वामी जी आए, आपको प्रणाम। स्वामी जी तुम्हारी शादी जल्दी हो। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतने महापुरुष को जानते हो। बोल देता तो आप क्या सोने की चेन दे देते? चेन चाहिए? रुको बेटा, अगर तुमने अपनी लंगोटी खोल दी तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। अरे स्वामी जी गलत मत समझिए, मैं तो कमर से अपनी पट्टी निकाल रहा था, आपने रोक दिया। चलेगा, बोलो बेटा तुम्हारी समस्या क्या है? स्वामी जी मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की को अपने मन में बैठा के उसकी पूजा करता हूँ, तो किसी को मिलनी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ चक्कर चला दीजिए स्वामी जी। बस इतना ही? जी जी। शिष्य, स्वामी जी दे दो। अब इसका क्या करना है वो मैं बताता हूँ। नारायण का नाम जबकि इसका जूस बनाओ, वो जूस पियो और लड़की तुम्हें ही मिले। जैसा आपका आशीर्वाद स्वामी जी। ये लीजिए, ये भी, ये लीजिए। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय। ओहो, पटेल साहब आइए आइए, सही समय पर आए हो, हमारे स्वामी जी के चरण धोकर उस पानी से अपना जीवन पवित्र कर लो। क्यों,
ताकि मैं बीमार पड़ूं और तड़प तड़प कर मर जाऊं, हाँ यही चाहते हो ना तुम। वैसे तो इस चोर स्वामी का चेहरा मुझे कहीं देखा हुआ लगता है। आप लोगों को घुमाने वाला ये कपूरानंद स्वामी आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ना। ओहो अच्छा तुम हो कपूरानंद स्वामी जी, तुम्हारी गाड़ी इस ट्रैक पर कैसे? वत्स तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो। शिष्य स्वामी हमारी पावरों के बारे में इस मूर्ख को समझाओ। हमारे स्वामी जी घर घर में पानी छोड़ते छोड़ते। ये क्या बोल रही हो? लोगों को उनकी तकलीफ से बचाने वाला महान इंसान है ये स्वामी। मेरी शिष्या जो कह रही है उसका तात्पर्य बस यही है, सही कहा ना? यस डार्लिंग। बस करो ये सब, क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मेरा दिमाग खराब नहीं है तुम्हारी बातों में आने के लिए। ओ पटेल जी अपना मुंह बंद करो, आ गए बात करने। जब मेरी नौकरी हाथ से गई और सामने सिर्फ अंधेरा था तब मुझे संन्यास लेने का ख्याल आया। मैंने संन्यास अपनाया और मेरे भक्तों ने मुझे अपनाया, है ना भक्तों? हाँ। और तुम आज भी वहीं खड़े हो। हाँ। वही शर्ट वही लुंगी और वही गमछा, पूरे वैसे ही। हाँ। पर मुझे देखो, रहने के लिए छत, घूमने के लिए कार और बगल में दो सुंदर लड़कियाँ। अब समझ में आया हमारी कैपेसिटी क्या है? तुम भी आ जाओ हमारे साथ। पेट के लिए ऐसा गंदा काम तुम इन लोगों से करवाओ, मुझसे नहीं। हेलो, हम काम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जीते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है। मैं भी किस गधे को समझा रहा हूँ? शिष्य ऐसे मूर्ख लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो अब हम चलते हैं अगले शहर की तरफ। तो बोलो स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। बेवकूफ पहले पैसे उठा लो। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की भक्तों को अब कौन समझाएगा? ये क्या है आयशु, तुम्हारा और सिद्धू का प्यार कितना गहरा था फिर भी तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? एक तरफ मेरी खुशी के लिए सुबह शाम मेहनत करने वाली मेरी फैमिली और दूसरी तरफ मेरी खातिर अपनी जान भी देने के लिए तैयार ये सिद्धू। जब इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैंने फैमिली को चुना और अपने प्यार को खुद से दूर कर दिया मैंने। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा गेटअप कैसा लगा तुम्हें? मैंने तुम्हारे लिए किया है, समझ नहीं आ रहा ना कि क्या कहें? खुशी के लड्डू बलून दिल में सब फूट रहे होंगे ना तुम्हारे? ये पागल, इस तरह से नौटंकी करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे ये उनका प्रॉब्लम है, मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए। कैसा लग रहा हूँ मैं? पागल बेवकूफ की तरह लग रहे हो, जोकर जैसे दिख रहे हो। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी लड़की जैसे थोड़ी सी भी अकल होगी वो तुम जैसे जोकर से कभी प्यार नहीं कर सकती। अपनी औकात समझो और मेरा पीछा करना छोड़ दो, दोबारा शक्ल मत दिखाना। चलो यहाँ से। अच्छा सबक सिखाया तुमने। ये क्या हो गया भाई, इसने विलन कहा ना हीरो कहा, जोकर कह के चली गई। अगर मुझसे कोई ऐसा कहता तो इसी गन को यहाँ रख के खुद को गोली मार देता। कोई बात नहीं भाई, ये नहीं तो कोई और सही। नहीं, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। ये आपका नसीब है। कैसा लग रहा है ये? तीर्थली के दानवीर जमींदार का गेटअप है ये। दादी जी अब आपकी बारी। हाँ अब तुम्हारी बारी है। दादी जी। अरे वाह क्या सुंदर लग रही है, भारतीय नारी लग रही है। सिद्धू हाँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आयशु के रिसेप्शन का ड्रेस, मुझे वो दिखाओ। मैं जानता था आप यही कहने वाले हैं, अब देखना अपनी फियांसी को देखकर फ्लैट हो जाएंगे आप, तैयार है ना? सुपर फैंटास्टिक आयशु, ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा। mm-hmm. क्या कहती हो? ये बहुत गॉडी लग रहा है, थोड़ा सिंपल होता तो अच्छा होता। कुछ भी कहो मुझे ये अच्छा लगा। थैंक यू सर जी, सर जी, सर जी।
सर जी। उल्लू के पट्टे, बात तू बाद में कर लेना, पहले बैठ के जरा सांस तो ले ले। एक अच्छी खबर लाया हूँ सर जी। अच्छी खबर? हाँ, कौन सी? पंडित जी ने कहा है कि 3 तारीख को आपकी पोती की शादी का मुहूर्त अच्छा है। 3 तारीख मुबारक हो। डेट अब पक्की हो गई है शादी की, बात अब ना करना आजादी की। डेट अब पक्की हो गई है शादी की, बात अब ना करना आजादी की। थोड़ी मस्ती भी है करनी, थोड़ी मस्ती भी है करनी, मम्मी पापा भी है बनना, रुकना ना तुम, रुकना ना तुम, कुछ ना सुनना नहीं है रुकना। डेट अब पक्की हो गई है शादी की, बात अब ना करना आजादी की। मन को शौक है, देख लो शादी में ऐसा सब होता है। अपनी जवानी को जी लो फुल ऑन, प्यार में जवानी को ब्लेंड कर लो, प्यार की लहरों में तैरो तुम, आज की में वर्ल्ड टूर कर लो तुम। शादी यही सब बैलेंस करती है। संसार अपना तुमको है देखना, तेरा संसार अब है घर तेरा। सुख जो शादी में है वो और कहां, एक होके रहना है सारी उम्र। प्लेस फिक्स्ड है अब शादी के लिए, टाइम है अरेस्ट होने का। थोड़ी मस्ती भी है करनी, थोड़ी मस्ती भी है करनी, मम्मी पापा भी है बनना, तुमको रेडी भी है रहना, रुकना ना तुम, रुकना ना तुम, कुछ ना सुनना नहीं है रुकना। Oh,
मेरे घर में घुस के क्या करने का इरादा है तुम्हारा? मैं आखिर क्या करूंगा आयशु, ये तो सर्विस है, लव सर्विस। ओहो, वो क्यों? और कोई काम नहीं है तुम्हें? फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ यही काम है आयशु, जरा समझो तो सही। झूठ, तुम अगर प्यार की अहमियत जानते होते ना तो यहाँ पर मेरे और मेरे मंगेतर के सामने इस तरह का नाटक नहीं करते। देखो, इस घर में एक शादी होने वाली है और वो शादी मुझे ही करवानी है, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई और वो तुम जानती हो। ये कह के मेरे आगे पीछे घूमना ही तुम्हारा मकसद है ना? देखो सिद्धू, तुमसे प्यार किया ये सच है, तुमसे बिछड़ गई वो भी सच है, लेकिन अब चेतन से शादी कर रही हूँ ये भी सच है। इस घर में सबके मन में मेरे लिए बहुत इज्जत और प्यार है। जब मैं इस घर से जाऊंगी तो सब खुशी से मुझे आशीर्वाद दे, यही मेरी इच्छा है। मैं यहाँ से किसी भी तरह का कोई कलंक लेके नहीं जाना चाहती, समझ रहे हो तुम? बाहर के लोग मेरी तारीफ ना करें चलेगा, लेकिन मेरे घर वालों का सर नहीं झुकना चाहिए, किसी के सामने नहीं। प्लीज इस बात को समझो। बच्चों से कह के नहीं करा सकती क्या? तुम क्यों परेशान हो रही हो? आप जरा चुप रहिए ना, सब काम कर रहे हैं। अरे एक कप कॉफी के लिए मैं कितनी देर से तड़प रहा हूँ। कॉफी किसी से भी कहते तो मिल जाती, यहाँ कितना सारा काम पड़ा है, अब मैं हिला दूँ कॉफी आपको? क्या करूं? मुझे तुम्हारे ही हाथ की कॉफी अच्छी लगती है। दीदी आप खुश क्यों नहीं हो, कुछ हुआ है? दीदी शादी के बाद तुम हम सबको भूल जाओगी? अरे ये तुम लोग खेलना छोड़कर आंखों में आंसू लिए क्यों बैठे हो? चलो सब जाकर खेलो, चलो। ऐशु ये क्या, तू तो बचपन से ही पूरे गांव को रुलाती रही है, आज ऐसा क्या हो गया जो मेरी पोती की आंखों से आंसू निकल रहे हैं? ऐशु बेटा एक बात सुनो, लड़की जब पति के घर जाती है तब उसे खुश होना चाहिए, रो मत बेटा, मत रो। इसका मतलब मैं यहाँ से शादी करके जाऊंगी तो आप लोग खुश रहेंगे? खुश क्यों नहीं होंगे, शादी के बाद तू यहाँ से विदा होकर कहीं और जाकर अपना घर बसाएगी तो ये हमारे लिए खुशी की ही बात होगी ना। बेटियाँ पलती बढ़ती तो एक घर में हैं पर बसाती दूसरे घर को है। दादी आयशु सुनो बेटा, तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। ऐसे रोते नहीं था। ये लो गुलाब जामुन। माँ आप ही अपने हाथ से खिला दो। खिला दो? अनसुया आज आखिरी दिन है, खिला दो, इसके बाद तो पति ही खिलाएगा। खिलाओ खिलाओ, आ करो बेटा, हाँ खिला दो खिला दो। अभी आप खिलाओ, आगे मैं खिलाऊंगा। दादाजी, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो तुम? ए, छोड़ लड़की को, अरे इसे पकड़ा छोड़ने के लिए, शादी करने के लिए, चल, छोड़ दे। नहीं भरत नहीं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ छोड़ दो मैडम, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, छोड़ दूंगा, पर ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे। इतने दिन से मैं शराफत में रहा कि तुम मुझसे शादी करेगी, मेरे जीवन में आएगी, मेरे घर आएगी, लेकिन नहीं, तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, मुझे सर झुकाना पड़ा, लेकिन अब तेरी इज्जत मेरे हाथों में है और उसे बचाने का जरा भी मन नहीं कर रहा। लोग शादी के बाद सुहागरात मनाते हैं, लेकिन पहले मैं सुहागरात मनाऊंगा फिर शादी करूंगा। आओ जाओ। नहीं भरत छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, आओ, छोड़ो, आओ, छोड़ो। सिद्धू यहाँ एक फूल है और दो दो माली, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुझे, कौन है बे तू? वैसे तो मेरा नाम सिद्धार्थ है लेकिन
तुम जैसे कमीने मुझे अपना बाप बुलाते हैं। मैं दुश्मनी नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करना। ऐसे मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, मैं क्या चॉकलेट बॉय लग रहा हूँ? लेकिन एक बात समझ ले, अगर मेरा हाथ पड़ गया ना तो तेरे चेहरे का मॉडल बिगड़ जाएगा। और इस बात को सीरियसली समझ ले, आयशु को छोड़ दे। सोचा ऐसे डायलॉग मार के हीरो बन जाएगा तू? हाँ, हीरो बनू या जीरो बनू, लेकिन अगर तूने इसको हाथ लगाया तो तेरा भरता जरूर बन जाएगा। मेरा भरता बनाने वाले जमीन में घुस गए। चल जाया से, आओ मेरे काम। कैसे शुक्रिया अदा करूं, तुमने तो हमारे खानदान की इज्जत बचा ली है, यही कहने वाले हैं ना आप? मैं जानता हूं दादाजी, लेकिन दादाजी
मैं भी तो इसी घर का हूं ना, और मेरे घर वालों को किसी ने तकलीफ दी तो मैं चुप थोड़ी रहूंगा दादाजी। और हाँ, और एक बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, अंकल को या चेतन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? प्लीज दादाजी, प्लीज। ये सब करने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम्हारा दिल तो बहुत विशाल है। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं रुकु। है हाँ। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? सिद्धू को कब से कॉल कर रही हूँ, फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। वो कहाँ है, कैसा है, कोई खबर नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी रुको, वो छोटा बच्चा थोड़ी है, वहाँ नेटवर्क का इशू हुआ होगा। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। हमने सिद्धू को हमेशा, उसने जो मांगा उसे दिया, उसको हमेशा खुश रखा, पर फिर भी कोई ना कोई कमी रह गई ऐसा लगता है। सुनिए, मुझे अभी के अभी उसे देखना है। रुको प्लीज, एक माँ का दिल आप नहीं समझ सकते। मुझे अभी सिद्धू से मिलना है बस। ओके। अरे अरे अरे, ये क्या भाई, इतना ज्यादा पी रहे हो? ओ, आयुषु नहीं मिली इसलिए उसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो नहीं तो और कोई अच्छी मिल जाएगी। आप अपने आप को थोड़ा संभालो भाई। संभालो? अगर मैं खुद को संभालने बैठूंगा तो ये सब मेरी ख्वाहिशों पर मिट्टी डाल देंगे। आज तक मैं इसी इंतजार में था कि वो मेरे प्यार को समझेगी और मुझसे शादी करेगी, लेकिन दोनों बाप बेटी ने गिरगिट की तरह रंग बदल कर मेरे साथ खेल खेला। अभी अभी उस शहर से आए कोरे चिट्टे लौंडे ने हाथ उठाया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कल जिस घर में शादी हो रही है उसे शमशान बना के दुल्हन को उठा के देवी माँ के सामने उसे मंगलसूत्र ना पहनाया तो फिर मेरा नाम भी भरत नहीं। एक्चुअली जाके सारे लड़कों को बुला के लाओ। अरे अरे संभाल के, धीरे खेलो सब लोग। देखो ना, घर में सभी कितने खुश हैं। शादी तो आयशु की हो रही है पर सभी के चेहरे खुशी से कितने चमक रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाय। ऐशु, 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 ये तुम किसका गुस्सा किस पर उतार रही हो? इसने क्या किया है, क्या हुआ? ये फोटो देखिए पापा। चेतन, ये सब क्या है, कौन है ये, ये सब क्या चल रहा है? चेतन, मैं बताता हूँ आपको, इसमें ऐशु या चेतन किसी की भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है।
मैं यहाँ शादी करवाने नहीं आया बल्कि इस शादी को रोकने आया हूँ। बाहर की दुनिया से अनजान चार दीवारों के बीच मैं बचपन से ही एक शहर में पला बढ़ा। हमेशा बिजी रहने वाले मेरे मम्मी डैडी से मुझे कभी प्यार ही नहीं मिला। घर जाओ तो नौकर चाकर सिक्योरिटी सब मिलकर सैल्यूट करते थे, मुझे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते थे। ऐसी एक आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर निकला था मैं, और तभी मैंने आयशु को देखा। उसकी बातें, सोच, उसकी मासूमियत, इन सब से मैं घिर गया। पागलों की तरह प्यार करने लग गया उससे। और ये बात मैं यहां आकर आपसे कहना चाहता था, लेकिन तब तक आपने उसकी शादी ही तय कर दी थी। मेरा दिल टूट गया था अंकल, मैं किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने दादाजी से झूठ बोलकर उनका दिल जीत लिया। फिर मैंने उस ब्रोकर को पैसे दिए और उसे अपनी तरफ कर लिया। फिर मेरे ही एक दोस्त चेतन को यहाँ दूल्हा बनाकर भेजा और एक प्लान बनाया, और तभी मैं एक इवेंट मैनेजर बनकर शादी करवाने के लिए इस घर में घुस गया। ये लड़की कोई और नहीं, मेरी दोस्त है और चेतन की बीवी है। जैसे ही शादी की डेट करीब आती, मैं इनकी शादी का फोटो आयशु को दिखाकर उनकी शादी तोड़ना चाहता था, और बस यही मेरा प्लान था। मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है अंकल। मैंने अपने माता पिता को छोड़कर और किसी भी रिश्ते को करीब से नहीं देखा। मैं बड़ा हुआ हूं तो सिर्फ टीवी, लैपटॉप और इन सब चीजों के सहारे, और कुछ नहीं। आप लोगों का मन कितना साफ है, कितना ट्रांसपेरेंट है, एक दूसरे से कितना प्यार है, कितना लगाव है। एक घर तो ऐसे ही बनता है ना, रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं आप लोग। सच कहूं तो अंकल, जब आयशु ने मुझे थप्पड़ मारा तो उसके मन में ये डर नहीं था कि उसकी शादी टूट जाएगी, बल्कि ये डर था कि उसकी शादी टूटने की वजह से उसके खानदान पर कोई कलंक ना लग जाए। करोड़ों का बैंक बैलेंस, चारों तरफ प्रॉपर्टीज, ये सब मेरे डैडी की मेरे लिए बनाई हुई ही दौलत है, और ये दौलत तो कभी भी हाथ से जा सकती है। लेकिन आयशु के पास जो दौलत है ये कहीं नहीं जा सकती। मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए दादाजी, मैंने इतने सालों में कभी नहीं सुना था। ये रिश्तों के नाम, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब रिश्ते मैंने कभी सुने ही नहीं थे। अगर आयशु, सिर्फ आयशु मुझे मिल जाएगी तो ये सारे रिश्ते मुझे मिल जाएंगे, और यही तो मैं चाहता था अंकल। अगर अभी भी लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मुझे मंजूर है। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है दादाजी, लेकिन मुझे प्लीज इस घर से मत निकालिए, प्लीज दादाजी, प्लीज दादी जी, आप तो कुछ बोलिए ना प्लीज। अंकल प्लीज, अंकल मुझे और आयशु को दूर मत कीजिए। अंकल मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें दूर मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ अंकल, प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज अंकल प्लीज, हम दोनों को अलग मत कीजिए अंकल, प्लीज 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 अंकल प्लीज। प्लीज अंकल अंकल। राजीव, तुम ऐसे पत्थर की तरह क्यों खड़े हो? ये पैर पकड़कर माफी मांग रहा है, समझा रहा है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं पसीज रहा। ये लड़का तुमसे मांग ही क्या रहा है? ये हमारे परिवार का एक सदस्य ही बनकर तो रहना चाहता है। हमने अपनी ऐशु को आंखों की तारे की तरह पाला है, और आज अगर ये हमसे हमारी उसी गुड़िया का हाथ मांग कर उससे शादी करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? ये चाहता तो हमारे खानदान पर कलंक का टीका कब का लगा देता। इसे इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी राजीव। मुझे नहीं लगता कि इसने इतना बड़ा अपराध कर डाला है। मैंने तो इसे माफ कर डाला राजीव, मेरे मन में कुछ नहीं है। देखो, शादियां हमेशा ऊपर से ही तय होके आती है। अब तुम अपने स्वाभिमान को छोड़ दो और इन मासूम बच्चों पर दया करके इनकी शादी करा दो। बेटा मेरी बात मानो, हमें इससे अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ। राजीव, मेरा मन कह रहा है बेटा, हम सब मिलकर
अगर ढूंढने भी जाएं तो इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल होगा। अगर तुम अपनी बेटी की शादी इससे करवा दोगे तो वो बहुत खुश रहेगी। मान लो बेटा, अब तो मान लो। सन, तुझे चाकू से मार डालने के लिए आया था मैं, लेकिन तू मेरे भाई। क्या कैरेक्टर है यार तू। लड़की के पीछे पड़ के प्यार करने वालों को देखा है हीरो की तरह, लड़की को उठा के जाने वालों को भी देखा है मेरी तरह, लेकिन आयशु के प्यार के साथ पूरे फैमिली का प्यार चाहिए। ये बात तुम्हारे मुंह से सुनते ही हाथों से चाकू गिर गए, आंखों से आंसू आ गए। ऐसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं करता दोस्त। सिद्धू अंकल, प्यार के लिए रिश्तों को ठुकराने वाले बहुत देखे हैं मैंने, मगर रिश्तों को अपनाकर अपने प्यार को पाने वाला तुम्हारे जैसा पागल प्रेमी पहली बार देखा है। अगर मैं तुम्हारे प्यार को समझ ना पाऊं तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। खुश रहो बेटा। अयशु, अयशु, अयशु कहाँ है? अयशु, 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 देखो ना इसे क्या हुआ। तेरी शादी कराना चाहता हूँ बेटी। सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे। आयशु, अगर अब भी तुम नहीं उठी ना तो सच में मेरा मरा मुंह देखोगी। आयशु ये क्या ना? अरे रास्ते से हटो, हटिए ना। सिद्धू रुको ना। क्या सिद्धू, तुम भी तुम नाटक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती क्या? तुम उसे प्यार ही नहीं करते हो। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाटक कर रही हूँ? सुनो, जब मैं आया तो मैंने देखा कि तुम अपने चेहरे का टमेटो सॉस चाट रही थी। बहुत स्मार्ट हो तुम। नाटक भी नहीं करना आता तुम्हें, इतनी मासूम बदमाश।